एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका। साविस फूड एंड ट्रैवल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आई हूँ उंचर्ली फॉल्स देखने, जो शिरसी से अराउंड 38 किलोमीटर्स की दूरी पर है। चलिए चलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं फॉल्स देखने। तो मेन पार्किंग से अराउंड 1 किलोमीटर की दूरी पर फॉल्स है, तो ऐसे जंगल का रास्ता है, बहुत काम और प्लेजेंट। चलिए, ये कितना प्लेजेंट वॉक रहेगा, जंगल के बीचों बीच हमें जाना है अभी। तो जब आप ये फॉल्स देखने आएंगे तो कंफर्टेबल शूज़ पहन के ज़रूर आइएगा, क्योंकि रास्ता काफ़ी रफ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ऐसे साइड में स्टेप्स भी बनाए गए हैं। अराउंड 100 स्टेप्स तो है जिसे हमें कवर करना है। हम अब लगभग पहुंच ही गए हैं फॉल्स की तरफ। यहाँ पर एक छोटा सा व्यू पॉइंट बनाया है, हमको अभी यहाँ से नीचे उतरना है फॉल्स देखने के लिए। तो यहाँ पर भी नज़ारा देखते हुए चलते हैं हम लोग। ये व्यू पॉइंट से फॉल्स का नज़ारा है, काफ़ी फॉग से कवर हो चुका है, तो हम लोग अभी थोड़ा धूप के लिए वेट करेंगे। चलिए अब नीचे चलते हैं फॉल्स की तरफ। फाइनली हम लोग फॉल्स तक पहुंच गए हैं। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर नज़ारा है, प्रकृति के बीचों बीच ये वाटरफॉल। इट्स अ ब्लिस। हमें यहाँ पर रेनबो भी देखने मिला, कितना सुंदर नज़ारा है। वी आर वेरी लकी टुडे। आप अगर शिरसी आते हैं तो उंचर्ली फॉल्स ज़रूर आइए, शायद ही इतना सुंदर फॉल्स आप कहीं देखे होंगे। तो प्लीज़ डू विजिट उंचर्ली वंस। अब हम वापस जा रहे हैं, बीच में थोड़ा लंच कर लेंगे और वहाँ से सीधा वापस शिरसी। उंचर्ली टू शिरसी आते वक्त ऑन द वे सरकुड़ी मिलता है, यहाँ पर एक सुंदर सा नदी है। तो यहाँ पे मैं रुकी हूँ लंच करने के लिए, फिर यहाँ का नज़ारा थोड़ा एंजॉय करके आगे बढ़ेंगे। आज का ये ट्रैवल व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।